Competition Committee, as always, is coming up with its new initiative in the interest of CGPSC aspirants with its latest CGPSC pre-mobile course for English medium students. And in this course, with flowchart, images, and in other creative way, I have covered all the required dimensions of Indian economy and Indian geography subject for CGPSC prelims exam. So without wasting time, grab the opportunity. नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। आज हम सीजीपीएससी मेंस पेपर एनालिसिस के अंतर्गत सीजीपीएससी मेंस के पेपर नंबर 6 का भाग 3 छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, इसके 3 वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। 2016, 2017 और 2018 के पेपर का एनालिसिस हम करने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है कि सीजीपीएससी 2018 का पेपर 2019 में कंडक्ट होने वाला था और उसी समय 2019 में सीजीपीएससी मेंस का सिलेबस और पैटर्न बदल गया। तो आइए जानते हैं कि इस पैटर्न बदलने का प्रभाव इस विषय पर क्या पड़ा। सीजीपीएससी 2017 की स्थिति में इस विषय का वेटेज क्या था और सीजीपीएससी 2018 की स्थिति में इस विषय का वेटेज क्या था। देखिए, सिलेबस के बदलने के बाद 2019 में केवल एक ही बार सीजीपीएससी मेंस का एग्जाम हुआ है, उसके बाद अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक, तो 2017 की स्थिति में छत्तीसगढ़ की जनजातियां, कला एवं संस्कृति, ये पेपर नंबर 7 का हिस्सा हुआ करता था। पेपर नंबर 7 5 भागों में बटा था, जिसका पहला भाग भारतीय दर्शन एवं योग था, इंडियन फिलॉसफी एंड योग। इसका दूसरा भाग समाजशास्त्र था, सोशियोलॉजी था। इसका तीसरा भाग छत्तीसगढ़ की जनजातियां, चौथा भाग छत्तीसगढ़ की कला और पांचवा भाग छत्तीसगढ़ की संस्कृति थी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इन 3 भागों में छत्तीसगढ़ की जनजातियां, कला एवं संस्कृति को लिया गया था। ठीक है, लेकिन जब सिलेबस बदला तो ये पेपर नंबर 7 का नहीं बल्कि पेपर नंबर 6 का हिस्सा हो गया, जिसका नाम है जनरल स्टडीज फोर। ठीक है, ये 3 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग दर्शन शास्त्र फिलॉसफी, दूसरा भाग समाजशास्त्र सोशियोलॉजी और तीसरा भाग छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि पहले ये जो 3 टॉपिक है, 3 विषय है, ये अलग अलग भागों में था, लेकिन इन्हीं 3 विषयों को मिलाकर एक विषय बना दिया गया और इसे भाग 3 में जगह दिया गया, जिसका नाम रखा गया छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। तो पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, पहले हर भाग से 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 8 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स और 40 मार्क्स में ऐसा था कि भाग 2, 3 और 5 से 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चंस को लिखना होता था, और भाग 1 और भाग 4 से 40 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें से हमें 1 क्वेश्चंस को लिखना होता था। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, ये भाग 3 का भी हिस्सा है, 4 का भी है और 5 का भी, तो 3 और 5 को अगर हम मिला दें तो यहाँ पर हम 40 मार्क्स लिख सकते हैं और यहाँ पर भी 40 मार्क्स। तो इस प्रकार से 104 मार्क्स के क्वेश्चंस पहले छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य से पूछे जाते थे, लेकिन अब स्थिति क्या रही, तो अब 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस, 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस
और जैसा कि हमें पता है कि भाग 3 से 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हमें एक क्वेश्चन को लिखना होता है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अब टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चंस इस पार्ट से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि अब इस विषय का वेटेज कम हो गया है। पहले जब CGPSC मेंस के सिलेबस में फेरबदल नहीं किया गया था, इसका पैटर्न नहीं बदला गया था, तब इस पार्ट से 104 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये फिक्स है ना कि भाग 1 से 75 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, भाग 2 से 50 मार्क्स का, और भाग 3 से 75 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से आप ये भी देखिए कि इनका वेटेज बढ़ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक है, जनजातीय सामाजिक संगठन, जनजातियों का सामाजिक संगठन कैसा है, उनकी सामाजिक विशेषताएं कैसी है, उनकी व्यवस्था कैसी है, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। अव्यवस्था कैसी हो सकती है, धार्मिक व्यवस्था हो सकती है, आर्थिक व्यवस्था हो सकती है, राजनैतिक व्यवस्था हो सकती है, किसी भी टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, देखिए इनके विवाह के बारे में पूछा जाता है, इनके परिवार, गोत्र, युवा समूह के बारे में पूछा जाता है, तो ये सभी जनजातीय सामाजिक संगठन के अंतर्गत आता है। उसके बाद इनके विकास के अंतर्गत इतिहास, कार्यक्रम व नीतियाँ, और इन नीतियों के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था के बारे में सवाल पूछा जाता है। अगर हम CGPSC मेंस की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये कार्यक्रम एवं नीतियाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जनजातियाँ जो है वो अभी भी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है। तो इनके विकास के लिए, इन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जो भी नीतियां चलाई जा रही है राज्य के द्वारा, जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, और इनके विकास की स्थिति कैसी है, इनके लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, उससे संबंधित सवाल पूछे ही जाते हैं। और ये सवाल 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में नहीं पूछे जाते, बल्कि ये सवाल 8 मार्क्स में या फिर 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जहां पर आपको ये बोला जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित विवरण दीजिए, आलोचनात्मक विवरण दीजिए, उसकी टिप्पणी लिखिए या उससे संबंधित विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम नीचे देखते हैं छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियाँ। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली 7 ऐसी जनजातियाँ हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का दर्जा दिया गया है। इनसे सवाल तो पूछे ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। लेकिन यहाँ से 15 मार्क्स के सवाल तो आई थिंक नहीं पूछे जाते हैं, 4 या 8 मार्क्स के या फिर 2 मार्क्स के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। और अन्य जनजातियाँ, देखिए अन्य जनजातियाँ में आप ये ध्यान में रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में तो वैसे बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती है, लेकिन वे जनजातियाँ जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ में निवास करती है, जनरली सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आप जनजातियाँ पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो मूल रूप से यहाँ के निवासी हैं उनसे संबंधित सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनकी परंपराओं से संबंधित सवाल, उनके पारंपरिक कार्य से संबंधित सवाल और उनकी विशेषताओं से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसी जनजातियाँ जो कि हमारे पड़ोसी राज्यों में रहा करती है, लेकिन वहाँ से वो इस राज्य में रहने के लिए आई, तो ऐसी जनजातियाँ जो जिनकी जनसंख्या यहाँ पर कम है और जो मूल रूप से यहाँ पर निवास नहीं करती है, वो यहाँ के निवासी नहीं है, उनसे संबंधित सवाल तो पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो सवाल या तो 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे या तो 4 मार्क्स में, उससे ज़्यादा मार्क्स के सवाल वहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम विशेष पिछड़ी जनजातियाँ या फिर अन्य जनजातियों को पढ़ रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि विशेष पिछड़ी जनजातियों को हमें बहुत डिटेल से पढ़ना है। अन्य जनजातियों में ऐसी जनजातियाँ जो मूलतः यहाँ के निवासी हैं उनके बारे में हम थोड़ा
गहराई से पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसी जनजातियां जो कि पड़ोसी राज्यों से यहाँ रहने आई, जिनका प्रवासन इस क्षेत्र में हुआ, उन जनजातियों के बारे में हम बहुत गहराई से नहीं पढ़ेंगे। कुछ सामान्य जानकारी उनसे संबंधित रखेंगे, क्योंकि वहां से सवाल या तो 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे या तो 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुसूचित जातियां एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां। देखिए, अनुसूचित जातियां या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। यहाँ से आपको छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ी जातियां, मान लीजिए कोई जाति है, तो आपको उससे संबंधित और कोई जानकारी नहीं रखनी है। ठीक है, अनुसूचित जातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों से संबंधित आपको डेटा याद रखने हैं। ये जातियां कौन कौन सी है आपको ये पता होना चाहिए, और इनसे संबंधित आयोग और नीतियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से डिटेल में सवाल नहीं पूछा जाता और ये टॉपिक भी लेस इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के जनजातियों में प्रचलित प्रमुख आभूषण एवं विशेष परंपराएं। देखिए, आभूषण से संबंधित सवाल अभी तक तो पूछे नहीं गए हैं। इवन यहाँ के जो व्यंजन है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, उनसे भी संबंधित सवाल अभी तक मेंस में नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप ये टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप CGPSC प्री की तैयारी कर रहे होंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहाँ तो आपको इसे पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो अभी तक तो नहीं पूछे गए, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आगे भी नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, तो आप एक नज़र में देख सकते हैं इसे, लेकिन अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, ये है। ठीक, जनजातीय समस्याएं, पृथककरण, प्रवासन और परसंस्कृतिकरण, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे भी होते हैं, निबंध पूछे जाते हैं इस टॉपिक से संबंधित, तो इस टॉपिक को तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है आपको। ठीक है, और जब आप ये तैयार कर लेंगे ना, तो ऊपर का जो टॉपिक है इतिहास, कार्यक्रम, नीतियाँ, इसकी भी तैयारी लगभग लगभग हो जाएगी। संवैधानिक व्यवस्था आपको देखना पड़ेगा अलग से। ठीक, सिलेबस के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोक साहित्य, प्रमुख लोक कलाकार। देखिए, लोक कला से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन क्या ये सवाल 15 मार्क्स के होते हैं, तो नहीं, 2, 4, 8 मार्क्स में इन सवालों को पूछा जाता है। लोक साहित्य से संबंधित जनरली सवाल नहीं आते हैं, हाँ, लेकिन जो लोक साहित्यकार है उनसे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन एक ही बार पूछा गया है, ज़्यादा नहीं पूछा गया है। अगर लोक कलाकारों की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से 2 और 4 मार्क्स में सवाल पूछा जाता है। मतलब कि छत्तीसगढ़ के जितने भी लोक कलाकार हैं, चाहे वो रंगमंच से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कला से संबंधित हो, उनसे सवाल तो पूछा जाता है। और ये लोक कलाकार भी ऐसे होते हैं जिनसे संबंधित सम्मान या पुरस्कार छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दिया जाता है, या फिर ऐसा कोई व्यक्तित्व जिसे पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे प्रमुख कलाकारों के बारे में आपको जानकारी रखनी है, लेकिन क्या आपको बहुत ज़्यादा जानकारी रखनी है, तो नहीं, आपको ऐसी जानकारी रखनी है कि आप उनसे संबंधित अगर सवाल पूछा जाए तो 60 शब्दों में उनके बारे में आप लिख सके, क्योंकि यहाँ से सवाल आइदर 2 मार्क्स में पूछा जाता है या तो फिर 4 मार्क्स में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ी लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य, देखिए यहाँ से अगर हम लोक नाट्य की बात करें तो जनजातीय क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य से संबंधित सवाल तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सवाल 4 मार्क्स में, 8 मार्क्स में और 15, इन तीनों मार्क्स के अंतर्गत इस टॉपिक से सवाल पूछा जा सकता है। लोक कथा के बारे में सवाल नहीं आते हैं, लोकगीत इम्पोर्टेंट है, लोकगीत में भी आपको ध्यान में रखना है, या तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, 4 मार्क्स में या फिर 8 मार्क्स में। ठीक है, जलौला, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये ऐसे जनौला होंगे, ऐसे मुहावरे या लोकोक्तियाँ होंगे जो कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति से संबंधित हैं, जो कि यहाँ के लोगों के द्वारा बोले जाते हैं। ठीक है, तो कुछ फेमस जनौला,
लोकोक्ति और मुहावरे तैयार कर लीजिए आप। देखिए यहाँ से भी बहुत सामान्य सवाल पूछे जाते हैं, 8 या 15 मार्क्स में सवाल नहीं आते हैं। आपको ये पूछ दिया जाएगा कि जनौला क्या होता है, दो जनौला का एग्जाम्पल दीजिए, मुहावरे क्या होते हैं इसके महत्व को बताइए, लोकोक्ति क्या होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो बहुत ही सामान्य प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और ये 2 या फिर 4 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसका वेटेज ज़्यादा नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित सम्मान एवं पुरस्कार, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, सम्मान भी पूछा जाता है और सम्मानित व्यक्ति के बारे में भी पूछा जाता है। और मैं ये कहूँ कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसे इस पर्टिकुलर सम्मान से सम्मानित किया गया हो उससे संबंधित सवाल आते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि किसी व्यक्ति के नाम से अगर कोई सम्मान दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा तो उससे भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन क्या यहाँ से सवाल ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाता है, तो नहीं, 2 या 4 मार्क्स में ही यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। सामान्यतः पूछे जाते हैं, रेयर केस के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा नहीं कर रही हूँ, ठीक। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख मेले पर्व त्योहार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका तो पूरा एक भाग ही था ना 2017 तक, ये पूरा एक पार्ट ही था, संस्कृति का पार्ट, और संस्कृति के अंतर्गत ये सभी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ की संस्कृति से संबंधित सवाल इस प्रकार से आते हैं कि क्यों इस पर्व को मनाया जाता है, क्यों इस त्यौहार को मनाया जाता है, तो नहीं। आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर पर्व को कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, बस इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपको क्यों में नहीं जाना है, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं जाना है, वो कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, उस पर्व से संबंधित मान्यताएं कैसी कैसी है, आपको इतना जानना है। मतलब कि हाँ, यहाँ से सवाल आपको कैसे भी पूछा जा सकता है, कैसे भी, इन द सेंस 2 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है, 8 में भी और 15 में भी। अब 15 में सवाल किस प्रकार से आएंगे, तो 15 में इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों को बताइए। तो जितने भी 30 त्योहार हैं आपको सबके बारे में लिखना होगा, मतलब कि आपको सभी 30 त्योहार को पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट 30 त्योहार है बस उसके बारे में ही पढ़ना है, आपको सभी 30 त्योहार की जानकारी रखनी है, लेकिन सबकी थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी है, इतनी जानकारी आपको रखनी होगी कि आप 8 मार्क्स में उसे लिख सकें। 15 मार्क्स में ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा कि नवरात्रि पर्व को समझाइए, अब 15 मार्क्स में पूछ दिया गया, 175 वर्ड्स में आपको लिखने हैं, तो इस प्रकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप किसी भी पर्व एवं त्यौहार की इतनी तैयारी कर लीजिए कि आप उसे 100 वर्ड्स में लिख सके, ठीक है, और 100 वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं होता, आप आराम से लिख सकते हैं। राज्य के पुरातात्विक संरक्षित स्मारक एवं स्थान, ये इम्पोर्टेंट है, ये टूरिज्म पार्ट है, ठीक है, टूरिज्म का पार्ट है, पर्यटन स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बस्तर के जलप्रपात एवं गुफाएं और छत्तीसगढ़ के प्रमुख संत, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं कि 2016, 17 और 18 के CGPSC मेंस में इस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2016 के पेपर की। 2016 के पेपर के अंतर्गत हम भाग 3, भाग 4 और भाग 5 के पेपर का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की कला की। तो देखिए छत्तीसगढ़ की कला से संबंधित, देखिए हमें स्ट्रक्चर तो पता है ना कि खंड 1 से 2 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं जिसे हमें 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है। खंड 2 से 4 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं जिसे हमें 60 वर्ड्स में लिखना है। खंड 3 से 8 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं जिसे हमें 100 शब्दों में लिखना है। खंड 4 से 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं और खंड 5 से 15 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं जिसे 175 वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। तो चूंकि ये पार्ट 3 है तो पार्ट 3 में खंड 4 जो है वो नहीं होता है, मतलब कि यहाँ से 10 मार्क्स के सवाल नहीं पूछे जाते हैं।
ये मैं बात कर रही हूँ अभी प्रेजेंट सिलेबस की, ठीक है, लेकिन ये पुराना सिलेबस है। तो पुराने सिलेबस के हिसाब से खंड एक में 2 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें 30 वर्ड्स में लिखना होता है। तो यहाँ से सवाल कौन कौन से आए थे देखिए, सबसे पहला सवाल है छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन ऐतिहासिक नाट्यशाला का नाम लिखिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा सवाल, छत्तीसगढ़ी लोक गाथा भरथरी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको कि जो प्राचीन ऐतिहासिक नाट्यशाला है सीता बिंगरा, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर कितने वर्ड्स में लिखना है, 30 वर्ड्स में लिखना है। देखिए ये जो वीडियो लेक्चर है ना, ये पेपर एनालिसिस का वीडियो लेक्चर है, ठीक है। हम यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसकी थ्योरी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। हम पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो सीता बिंगरा के बारे में आपको जानकारी क्या क्या रखनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सीता बिंगरा का स्थान कहाँ है, ठीक है। ये जो प्राचीनतम नाट्यशाला, इसके साक्ष्य कब प्राप्त हुए थे और ये किससे संबंधित है। 3 पॉइंट में आपको इस उत्तर को लिखना है, 3 पॉइंट 3 लाइन 30 वर्ड्स, ठीक है। वैसे ही छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, कुछ सामान्य जानकारी आपको इससे संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ लोक गाथा से भी सवाल पूछे गए हैं और भरथरी से सवाल पूछे गए हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर 2016 में छत्तीसगढ़ की कला से संबंधित सवाल कौन से पूछे गए हैं देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ की कला से संबंधित 4 मार्क्स से सवाल अगर हम देखें तो 2 सवाल पूछे गए थे, साहित्य के क्षेत्र में पंडित मुकुटधर पांडे के योगदान की चर्चा कीजिए और झाड़ूराम देवांगन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैंने आपको कहा था ना कि साहित्य से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन साहित्यकार से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। देखिए साहित्यकार का सवाल पूछ दिया गया, ठीक है। वहीं पर झाड़ूराम देवांगन, ये कौन है, ये पंडवानी के वेदमती शैली के गायक हैं, इन्हें पंडवानी का गुरु कहा जाता है, ठीक है। तो आपको इनसे संबंधित टिप्पणी लिखना है, तो आपको बताना होगा कि हाँ ये वेदमती शैली के गायक हैं, इनके शिष्यों के बारे में बता दीजिए और इनकी थोड़ी सी उपलब्धियों के बारे में बता दीजिए। तो 4 मार्क्स मतलब कि 60 वर्ड्स आपको लगभग 5 पॉइंट्स में लिखना होगा। जब भी मैं यहाँ पर पॉइंट्स की बात कर रही हूँ, मतलब कि उसकी वैरायटी की बात कर रही हूँ। पॉइंट्स मतलब ज़रूरी नहीं कि हमें पॉइंट्स में लिखना है, वो देखिए वो क्वेश्चन का डिमांड होता है। अगर क्वेश्चन अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है तो आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहिए। अगर क्वेश्चन किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की विस्तृत चर्चा करने के लिए कह रहा है तो हमें सब हेडिंग डाल के उसे विस्तारपूर्वक लिखना चाहिए। अगर क्वेश्चन टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है तो टिप्पणी ऐसा होता है कि हम उसे पैराग्राफ में लिखेंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन किसी की विशेषताओं या फिर उपलब्धियों के बारे में चर्चा करने के लिए बोल रहा है तो फिर हम उसे पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो वो क्वेश्चन की डिमांड है कि हम उसके आंसर का स्ट्रक्चर कैसे करें, उस आंसर को हम किस प्रकार से लिखें, ठीक। फिर सेक्शन 3 में छत्तीसगढ़ की कला से संबंधित सवाल पूछे गया था कि छत्तीसगढ़ी लोक पर्व भोजली के बारे में बताइए। देखिए छत्तीसगढ़ी पर्व से सवाल पूछा गया और क्या बोला गया कि भोजली पर आपको टिप्पणी लिखना है, भोजली के बारे में आपको बताना है। तो क्या बताना है आपको भोजली के बारे में, कुछ भी बता सकते हैं, टिप्पणी तो लिखना है। बताइए कि ये भोजली का पर्व कब मनाया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है, इसे मनाने का उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से मनाया जाता है। क्या इस पर्व से संबंधित कोई गीत है या फिर कोई नृत्य है, तो आप इसकी भी चर्चा कर लीजिए यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन के आंसर को 100 शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे खंड 4 की।
तो समय खंड चार भी हुआ करता था, ठीक है। खंड चार से 20 मार्क्स के सवाल पूछे जाते थे, जिसे 250 वर्ड्स में हमें लिखना होता था। और उस समय सवाल पूछा गया था कि लोक नृत्य क्या है। बस्तर अंचल के तीन लोक नृत्य ककसार, गौर और गेड़ी पर टिप्पणी लिखिए। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए, लोक नृत्य से सवाल पूछा गया, लेकिन चूंकि पता है CGPSC को कि छत्तीसगढ़ में जितने भी लोक नृत्य किए जाते हैं उससे संबंधित ज्यादा गहराई तक जानकारी जो है हमें रखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने इसे 20 मार्क्स में तो दिया, लेकिन इस 20 मार्क्स के सवाल के अंतर्गत तीन लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करने के लिए कह दिया गया, ठीक है। तो ककसार, गौर और गेड़ी, ककसार किसके द्वारा किया जाता है? मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। मुरिया जनजाति के लोगों का पूजा नृत्य है। माड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा जात्रा पर्व के अवसर पर गौर नृत्य किया जाता है, और गेड़ी नृत्य भी गोंड मुरिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। गेड़ी नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती लेकिन वो गेड़ी पर नहीं चढ़ती है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करना है, थोड़ी थोड़ी चर्चाएं करनी है आपको, ककसार एक सब हेडिंग लिखना है, और उसके बाद फिर आपको बताना है कि किसके द्वारा किया जाता है, कब किया जाता है, इसका महत्व क्या है, महत्व कब किसके द्वारा, क्या इस नृत्य में किसी प्रकार के प्रॉप्स का यूज होता है तो आप उस प्रॉप्स के बारे में बता सकते हैं, इस नृत्य में किसी प्रकार के अगर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है तो आप उसे बता सकते हैं, और अगर आपको किसी भी प्रकार के नृत्य की शैली के बारे में पता है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है, ठीक। अब हम बात करेंगे CGPSC 2016 के भाग चार, छत्तीसगढ़ की संस्कृति। देखिए यहाँ पर ये भाग तीन, भाग चार को मैं क्लियर कर देती हूँ। भाग तीन में छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हैं, जिसे हम अभी लास्ट में चर्चा करेंगे, ठीक है। भाग चार में छत्तीसगढ़ की कला है और भाग पाँच में छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, मतलब कि कायदे से ये भाग पाँच है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि कायदे से अगर हम देखें तो ये भाग पाँच है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, ठीक। तो देखते हैं कि 2 मार्क्स में यहाँ से कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। तो 2 मार्क्स में यहाँ से 4 सवाल पूछे गए थे। ठाकुर देवता का महत्व बताइए, दहीहान क्या है, मेन पार्ट क्यों प्रसिद्ध है, और भोरम देव किस लिए प्रसिद्ध है। टूरिज्म के क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, भोरम देव किस लिए प्रसिद्ध है। सवाल में ये नहीं पूछा गया कि भोरम देव क्या है, ये नहीं पूछा गया कि भोरम देव कहाँ है, आपसे ये भी नहीं पूछा गया कि भोरम देव पर टिप्पणी लिखिए। अगर वो ये कह देता कि भोरम देव पर टिप्पणी लिखिए तो आप कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन सवाल क्या पूछा गया कि वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बता, आप भले ये ना बताओ कि वो कहाँ है, वो कब उसका निर्माण हुआ, लेकिन आप प्रसिद्ध क्यों हैं आप ये बता, ये आपको बताना पड़ेगा। और उसकी प्रसिद्धि क्यों है, क्योंकि भोरम देव ये आदिवासी गोंड जनजाति के लोगों के देवता का मंदिर है, ठीक है। मूलतः ये शिव मंदिर है और इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में निर्मित खजुराहो के मंदिर के समान है, ठीक है। तो आपको इसकी प्रसिद्धि का कारण बताना पड़ेगा, भले आप मत बताओ कि ये कबीरधाम जिले में स्थित है, छिंदक नागवंशियों के शासनकाल में इसका निर्माण कराया गया था, मत बताइए इसे, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि ये प्रसिद्ध क्यों है। तो सवाल को एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए और जानने का प्रयास कीजिए कि सवाल पूछ क्या रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से मेन पार्ट क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको मेन पार्ट के बारे में बताना पड़ेगा कि वो क्यों प्रसिद्ध है। दहीहान क्या है, क्या होता है दहीहान, ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर पशुओं को चराने के लिए इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। आपको क्या है बस पूछा गया है, तो ये यही है, तो आपको इसकी परिभाषा ही लिखनी है, ठीक है। ठाकुर देवता के महत्व को बताएं, जनजातीय अंचल में ठाकुर देवता बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ग्राम देवता होते हैं और हर धार्मिक और सामाजिक परंपरा से संबंधित जो भी रस्म रिवाज होते हैं उनमें इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। तो इनके महत्व को आपको यहाँ पर बताना होगा। सेक्शन 2 4 मार्क्स में 60 वर्ड्स में लिखना था इन दोनों क्वेश्चंस को। सवाल पूछा गया था
कि पोला से आप क्या समझते हैं और शंखनी डंकिनी नदी के धार्मिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। देखिए फिर से टिप्पणी लिखिए बोल दिया गया। तो टिप्पणी में ना आपके पास बहुत सारे डायरेक्शन मिल जाते हैं कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस कि जो भी हमें जानकारी पता है हम लिख सकते हैं। लाइक शंखनी डंखनी नदी के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है, कि ये शंखनी और डंखनी नदी किस नदी की शाखा है, इसके संगम पर कौन सा मंदिर है, दंतेवाड़ा में ये नदी बहती है और यहाँ पर दंतेश्वरी देवी का मंदिर स्थापित किया गया है। तो जब भी टिप्पणी लिखने के बारे में बोला जाएगा तो हमारे पास डायरेक्शन बढ़ जाते हैं लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन ऊपर देखिए सवाल है पोला से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एक प्रकार का पर्व होता है जो छत्तीसगढ़ लोक अंचल में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, आपको यहाँ पर सब कुछ बताना होगा, ठीक है। सेक्शन 3, 8 मार्क्स में सवाल पूछा गया था कि झारा धातु कला से आप क्या समझते हैं। झारा धातु कला रायगढ़ जिले में प्रचलित है, ये एक प्रकार की धातु कला है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती हैं और इससे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे 100 शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। खंड 5 में 40 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं जिसे आपको 500 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो 500 शब्दों में लिखने के लिए सवाल पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के 5 पर्यटन स्थलों पर एक निबंध लिखिए। तो देखिए CGPSC के नेचर को समझने का प्रयास कीजिए, वो कभी भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित सवाल पूछ के उसके बारे में आपको 250 शब्दों में या 500 शब्दों में लिखने के लिए नहीं कहता है। अगर वो कोई बड़ा क्वेश्चन है तो उसे भी वो पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे कि यहाँ पर कह दिया गया कि 5 पर्यटन स्थलों के बारे में आपको चर्चा करना है, मतलब कि आपको यहाँ पर 1 पर्यटन स्थल के बारे में केवल 100 शब्दों में लिखना है। केवल और केवल कितने शब्दों में, 100 शब्दों में लिखना है। इसका मतलब है कि सवाल को वो 8 मार्क्स में भी पूछ सकता था, ठीक है, लेकिन उसने 8 मार्क्स में नहीं पूछकर उसे उसने 40 मार्क्स में पूछा जहां पर 500 वर्ड्स में लिखना है और इस प्रकार से उसने 5 पर्यटन स्थल के बारे में पूछ लिया, ठीक है। तो कोई भी ऐसे 5 पर्यटन स्थल जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो उसकी चर्चा आप यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप राजिम के बारे में लिख रहे हैं और राजिम के बारे में जो सामान्य जानकारी है उससे संबंधित और भी कुछ लिख रहे हैं। बहुत ही ज्यादा आई कैचिंग होना चाहिए आपका आंसर, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका आंसर आई कैचिंग होना चाहिए। और अगर आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो ऐसा कोई वर्ड जिसे आप जांचकर्ता को दिखाना चाहते हैं तो उसे बोल्ड कर दीजिए एक बार और उसके ऊपर ओवर राइट कर लीजिए, तुरंत वो दिखेगा, वो जो वर्ड है ना वो आई कैचिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अंडरलाइन करने की बात कहूँ तो ज़रूरी नहीं है आपको अंडरलाइन करना, आपके आपकी राइटिंग अच्छी हो या ना हो लेकिन आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। राइटिंग उतना मैटर नहीं करता है लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। किसी भी क्वेश्चन को आप किस प्रकार से लिख रहे हैं, उसे रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक। CGPSC 2016 में ये भाग 3 है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, इससे संबंधित सवाल कौन कौन से पूछे गए थे आइए देखते हैं। तो 2 मार्क्स में 4 सवाल पूछे गए थे। जनजातीय समाज में बोधना का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बोधना से सवाल पूछे ही जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार पूछ दिया गया 2016 में तो इससे पहले नहीं पूछा गया था या फिर इससे बाद नहीं पूछा जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 275 में जनजातियों के विकास के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी जनजातियों के विकास से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जनजातियों के विकास, उनसे उनके सामाजिक न्याय और उनके आर्थिक और शैक्षणिक विकास से संबंधित जितनी भी नीतियाँ योजनाएं बनाई गई है, उनके संरक्षण से संबंधित जितने भी संवैधानिक व्यवस्था किए गए हैं उसकी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। वहाँ से सवाल तो पूछे ही जाते हैं और कहाँ से पूछे जाएंगे इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। ये 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में 8 मार्क्स में 15 मार्क्स में किसी भी मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल, प्रथागत कानून क्या है, ठीक है।
तो इसे भी आपको पता होना चाहिए। देखिए प्रथागत कानून जो है ना, ये ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। प्रथागत कानून मतलब उनकी प्रथा के अनुसार जो कानून बनाए गए हैं उसकी चर्चा की जा रही है, ठीक है, कि उनकी परंपराओं को, उनकी संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए, मतलब कि ऐसे कानून जो कि उनकी परंपराओं को प्रभावित नहीं करते, ये उन कानूनों के बारे में चर्चा की जा रही है यहाँ पर। तो ये उससे संबंधित सवाल है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जो कि ट्राइबल एरिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरियर एल्विन द्वारा मध्य भारत की जनजातियों पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकों के नाम लिखिए। वेरियर एल्विन प्रसिद्ध मानव शास्त्री है, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विदेश से यहाँ पर आए थे और यहाँ की संस्कृति में ढल गए, ठीक है। इन्होंने मध्य भारत की जनजातियों पर शोध का कार्य किया है, स्पेशली गोंड जनजाति समूह और बैगा जनजाति के ऊपर, ठीक है, और उनसे संबंधित ही इनकी किताब है। तो ध्यान रखिएगा, द बैगास, मुरियन देर घोटू, द गौर, ये द अगरिया, ये इनके द्वारा लिखी गई किताब है। खंड दो में 4 मार्क्स में सवाल पूछा गया था कि टोटमवाद एक धार्मिक अथवा सामाजिक प्रक्रिया है। टिप्पणी कीजिए, टोटम क्या है? ये एक ऐसा विश्वास है जो जनजातियों को उनकी प्रकृति से जोड़कर रखता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से आप CGPSC मेंस या प्री के वीडियो लेक्चर में, मोबाइल कोर्स में आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और अनुसूचित क्षेत्र क्या है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। क्या है अनुसूचित क्षेत्र? एक ऐसा क्षेत्र जिसे राज्य बाल लोक अधिसूचना के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दे। अब उसमें कोई क्राइटेरिया है, कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं कि इस क्षेत्र में जनजातियों की जनसंख्या अधिक होनी चाहिए, ये क्षेत्र सघन होना चाहिए, इसका निश्चित आकार होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको क्राइटेरिया बताना पड़ेगा कि अनुसूचित क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो जस्टिफिकेबल आंसर देना है आपको, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप ना, आपको किसी क्वेश्चन के बारे में सिर्फ दो ही बातें पता है, दो ही जानकारी पता है, ठीक है, तो आप बस उतना ही लिखिए, कुछ भी इधर उधर के आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसी जानकारी जो आपको पता नहीं है लेकिन फिर भी आपको उस वर्ड लिमिट को कंप्लीट करने के लिए आप लिख रहे हैं, तो क्या होता है ना, फिर आपको जितने मार्क्स मिलने चाहिए उतने भी नहीं मिलते हैं। अगर 8 मार्क्स का सवाल है, आपको 40 शब्दों तक का ही पता है लेकिन 40 शब्दों तक का पता नहीं है, या 60 वर्ड्स की बात करूँ तो अगर आपको 60 वर्ड्स का कुछ पता नहीं है तो आप 40 शब्दों तक ही लिखिए, मत लिखिए 60 वर्ड्स तक, जितना पता है उतना लिखिए, आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप वर्ड लिमिट को जस्टिफाई करने के लिए अगर आप आंसर लिखेंगे तो जितना मिलने वाला है ना उतना भी नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बी स्पेसिफिक, ठीक है, आपको एकदम स्पेसिफिक आंसर देना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है और जितना पता है उतना ही बताना है, ठीक है। 8 मार्क्स में सवाल पूछा गया था छत्तीसगढ़ की जनजातीय भाषाओं का विभिन्न भाषाई परिवार से संबंधता पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भाषाई परिवार के बारे में बताना है कि आर्य भाषा समूह, मुंडा भाषा समूह और द्रविड़ भाषा समूह, इसके अतिरिक्त एक और भाषा समूह तिब्बती भाषा समूह, ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। तो इन चारों भाषाई समूह के बारे में आपको बताना है और इनका रिलेशन जनजातियों से कैसे, ये भी बताना है, ठीक है। तो इन भाषा समूह के अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियाँ आती हैं, ये कहाँ निवास करती हैं, कौन सी भाषाएँ सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है, इनकी विशेषताएँ क्या हैं, इन भाषाई समूह के अंतर्गत कितने प्रकार की भाषाएँ बोली जाती है, आप इन सब को बता सकते हैं। आप इसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, आप इसे पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, आप इसे सब हेडिंग देकर लिख सकते हैं, तो किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, खंड 5 से 40 अंक में 500 मार्क्स में सवाल को पूछा गया था। सवाल क्या है? छत्तीसगढ़ की जनजातियों में औद्योगिकीकरण की समस्याओं का विवेचन कीजिए, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रवसन की समस्याओं का वर्णन कीजिए और ट्राइफेड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि CGPSC का एक व्यवहार है कि वो ज़्यादा मार्क्स का जब क्वेश्चन पूछता है तो वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं पूछता है, वो उसे पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो देखिए यहाँ पर भी इस 40 मार्क्स के सवाल जिसमें हमको 500 शब्दों में लिखना है उसे उसने 3 भाग में डिवाइड कर दिया।
ठीक, अब हमको ये समझना होगा कि इन सभी क्वेश्चंस के वर्ड लिमिट कैसे होने चाहिए। देखिए, औद्योगिकीकरण की समस्या, प्रवसन की समस्या, मैंने कहा था ना कि ट्राइबल एरिया की समस्याएं, उनके विकास, उनसे संबंधित योजना और नीतियों से सवाल पूछे जाते हैं, और ये सवाल छोटे नहीं होते हैं, ये बड़े ही होते हैं, या तो 4 मार्क्स, या तो 8 मार्क्स, या तो 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से आपको इसकी तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसके आंसर देने हैं, और नीचे ट्राइफेड के बारे में पूछा गया, तो आप इसे 100 वर्ड्स में लिख लीजिए और बाकी दो को 200 वर्ड्स में लिख लीजिए। तो उस प्रकार से आप 500 शब्दों में इसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर सवाल ऐसे पूछा जा रहा है ना पार्ट वाइज, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सभी को इक्वली वर्ड लिमिट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये आपके दिमाग का खेल है, आपको इन तीनों के क्वेश्चन के आंसर को मिला के आपको 500 शब्द बनाने हैं, ना कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर को इक्वली वर्ड लिमिट में लिखना है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2017 CGPSC मेंस से संबंधित सवालों के बारे में। पार्ट 3 छत्तीसगढ़ की जनजातियां, पार्ट 4 छत्तीसगढ़ की कला, और पार्ट 5 छत्तीसगढ़ की संस्कृति, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको सवालों से मतलब है। ठीक, तो 2 मार्क्स में 2017 में छत्तीसगढ़ की कला से संबंधित सवाल कौन से पूछे गए थे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सवाल पूछा गया था कि डिंडवा नाच क्या है। कभी कभी रेयर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके बारे में हमने ना कभी सुना है, ना हम कुछ जानते हैं, ना किसी किताब में हमें कुछ पता चलता है, तो ऐसे सवाल भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह सम्मान किसे दिया गया था 2017 में, तो मैंने आपको बताया था ना कि किसी व्यक्ति के नाम पर अगर सम्मान दिया गया है तो उस सम्मान के बारे में पूछा जा सकता है, और वो सम्मान उस पर्टिकुलर वर्ष में किसे दिया गया है इसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। रहस्य क्या है, लोक नाट्य है, छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य, रहस्य का मतलब रासलीला होता है। ठीक है, आपको इसके बारे में जानकारी देनी है, बहुत ही डेप्थ में पता है आपको लोक नाट्य के बारे में। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, क्या है पूछा गया है ना, तो इसका अर्थ बताओगे क्या है, कहाँ इसका आयोजन किया जाता है इसके बारे में बताओगे, और इसके आयोजन के उद्देश्य को बताओगे। आपको 30 वर्ड्स में लिखना है, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, पराग मांदरी से आप क्या समझते हैं, ये मांदरी का एक टाइप है, आपको इसके बारे में लिखना है। छत्तीसगढ़ के 4 लोक उत्सवों के नाम लिखिए। देखिए, 2 मार्क्स में पूछा गया, 30 वर्ड्स में पूछा गया, तो देखिए सिर्फ लोक उत्सवों के नाम पूछे गए। ठीक है, एग्जामिनर को पता है कि इस लोक उत्सव में क्या होता है, कैसे होता है, आपको सब पता है, वो सिर्फ आपसे इतना ही जानना चाहता है कि 4 लोक उत्सव कौन कौन से हैं। तो कुछ 4 लोक उत्सव जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे ऐसा स्ट्रक्चर करके लिखिए कि वो 30 वर्ड्स जो हैं वो जस्टिफाई कर जाए। छत्तीसगढ़ के लोक अंचल में, अब टाइमिंग बस बता दीजिए ना, 4 बहुत इंपॉर्टेंट लोक उत्सव हैं, इसमें ये, तब ये, तब ये, 4 ऐसे लोक उत्सव को उठा लीजिए, उसकी टाइमिंग बता दीजिए और उसे 30 वर्ड्स में जस्टिफाई कर दीजिए। तो वर्ड लिमिट को हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि उसने सिर्फ 4 लोक उत्सव के बारे में पूछा है। वो लोक उत्सव का महत्व क्या है, कैसे मनाया जाता है, उससे संबंधित सवाल नहीं पूछे गए, एग्जामिनर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, खंड 2 में 4 मार्क्स में सवाल पूछा गया था कि श्रीमती फूलबासन बाई पर संक्षिप्त टिप्पणी, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, अभी ये कौन बनेगा करोड़पति में भी गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सामाजिक कार्यकर्ता है, इनके जीवन के बारे में आप जानिए, इन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की है और इन्होंने लगातार समाज को अच्छा करने के लिए कार्य किया है, इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध कार्य किया है, इन्होंने महिला सशक्तिकरण के ऊपर कार्य किया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, पद्मश्री से सम्मानित हैं, तो इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए, और मुझे लगता है कि इस बार भी इससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है,
जरूरी नहीं कि एक बार पूछा जा चुका है तो दोबारा नहीं पूछा जाएगा, रिपीट भी कर सकता है, क्वेश्चन पूछने के तरीके को बदल दिया जा सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अब इनसे संबंधित सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ बांस गीत क्या है? राउत जाति के लोगों के द्वारा इस बांस गीत को गाया जाता है, 4 मार्क्स में पूछा गया इस सवाल को। ठीक है, तो आपको क्या क्या बताना है कि राउत जाति के लोगों के द्वारा इसे गाया जाता है। ये जो इस प्रकार के छत्तीसगढ़ी लोक अंचल में किसी भी गीत या नृत्य का नाम रखा जाता है ना, तो उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। जैसे कि बांस गीत को बांस गीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग 1 मीटर लंबे बांसुरी को वाद्य यंत्र के रूप में बजाया जाता है। ठीक है, तो आप बताइए कैसे, किस जाति के द्वारा गाया जाता है, कब गाया जाता है, किस प्रकार से गाया जाता है और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। देखिए, 4 दिशाएं हो गई ना हमें इस आंसर को लिखने के लिए। ऐसा नहीं है कि राउत जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है और अब राउत जाति के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको बांस गीत में ही केंद्रित रहना है। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि 1 मीटर लंबे बांसुरी का उपयोग किया जाता है और अब आप बांसुरी की विशेषताएं बताने लगे, ऐसा नहीं। केंद्रित होना है आपको उस क्वेश्चन पे, उस टॉपिक पे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी आप कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट्स बना लीजिए कि किन किन सवालों का जवाब देना है मुझे इस आंसर में, तो क्या होगा, आपके आंसर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक, खंड 3 में यहां से सवाल पूछा गया था 8 मार्क्स में कि बाली बर्फ पर एक लेख लिखिए। तो ये बाली बर्फ पर आपको लेख लिखना था 100 शब्दों में। ठीक है, 14 मार्क्स में फिर से सवाल पूछा गया और फिर से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 40 नंबर के सवाल को 3 पार्ट में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ के सुआ गीत में लोक संस्कृति का वर्णन कीजिए, मिथान प्रथा से आप क्या समझते हैं और छत्तीसगढ़ त्यौहार पोला पर निबंध लिखिए। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जब भी 14 मार्क्स से सवाल पूछे जाते हैं तो वो इस प्रकार से ही पार्ट में पूछे जाते हैं और जनरली फेस्टिवल या फिर नृत्य से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको तैयारी भी इसकी इसी प्रकार से करनी है। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की संस्कृति से संबंधित जो भी 2017 में सवाल पूछे गए थे उसकी। ठीक है, तो 2 मार्क्स में यहाँ से सवाल पूछा गया था नवरात्रि कब मनाते हैं या किससे संबंधित है। नवरात्रि कब मनाते हैं? तो अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मनाते हैं, किससे संबंधित है। तो ये छत्तीसगढ़ अंचल में इसका महत्व बहुत ही ज्यादा वैरायटी, इसके महत्व में बहुत ज्यादा वैरायटी है। देखिए, इस अवसर पर जवारा पर्व मनाया जाता है, इस अवसर पर देवी दुर्गा की प्रतिमाओं को स्थापित भी किया जाता है, इस अवसर पर बहुत सारे मंदिरों में ज्योति कलश की स्थापना की जाती है और देवी दुर्गा की पूजा की जाती है, इस अवसर पर जश गीत गाया जाता है। ठीक है, तो नवरात्रि का संबंध तो बहुत सारी चीज़ों से है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इस सवाल को 2 मार्क्स में पूछा गया है तो आपको मैंने अभी जितने पॉइंट्स बताए ना, आप उतना ही लिखिएगा, उसके अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। रखिया किसे कहते हैं, इसका उपयोग बताइए। क्या है रखिया? एक प्रकार की सब्जी है, इसकी बड़ी बनाई जाती है। ठीक है, सब्जी कह सकते हैं इसे। ठीक, खोटना क्या है? खोटना किस कार्य से संबंधित है? कार्य कह दिया है उसने, ये एक वर्ब है। खोटना, भाजी को तोड़ने की जो पद्धति होती है उसे खोटना कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। कक्षा नृत्य के बारे में लिखिए, कक्षा नृत्य के बारे में सवाल एक बार और पूछा गया है, तब इसे ज्यादा मार्क्स में पूछा गया था और उसे पार्ट वाइज आपको लिखना था। ठीक, अगला सवाल 4 मार्क्स में पूछा गया सवाल है, गिरौदपुरी किस लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व बताइए। तो आपको ये टूरिज्म का ये पार्ट है, आपको टूरिज्म से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन ज्यादा मार्क्स में नहीं पूछे जाते। देखिए, 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स में या 8 मार्क्स में, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। और अगर पूछे जाएंगे ज्यादा मार्क्स में तो फिर आपको ये बोला जाएगा कि इसी 5 पर्यटन स्थल के बारे में टिप्पणी लिखिए या 2 के बारे में। अब देखिए, ये ऐसे ही पर्यटन स्थल है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो जो फेमस टूरिज्म है यहाँ पर, आपको उनसे संबंधित जानकारी रखनी है।
8 मार्क्स में यहाँ से सवाल पूछा गया था, सल्फी पेयर का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया है इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। सल्फी क्या है, कहाँ फेमस है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये दिखता कैसा है, ये बनता कैसा है, ये किस जनजाति के लोग पीते हैं, इसका पेय पदार्थ क्या, ये एक प्रकार का पेय पदार्थ है, तो इसका टेस्ट कैसा होता है, आप सब कुछ बता सकते हैं सल्फी पेय पदार्थ के बारे में। ठीक है, तो आप पॉइंट वाइज में लिख सकते हैं इसके बारे में, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर 100 शब्दों में लिख सकते हैं। 20 मार्क्स में सवाल पूछा गया था, बस्तर की दो गुफाएं कुटुम्बसर और कैलाश गुफा का वर्णन कीजिए, छत्तीसगढ़ के दो राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती और कांगेर घाटी की विवेचना कीजिए। फिर से देखिए 2 मार्क्स में 250 में सवाल पूछा गया था, 250 वर्ड्स में लिखना था, और ये जो सवाल है ये एक ही क्वेश्चन है ना, और में दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो मतलब आपको सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियां रखनी है, और ये जितने भी टॉपिक है सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको बहुत गहराई में नहीं जानना है, आपको सामान्य जानकारी रखनी है छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक, अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित सवालों की। तो देखिए 2 मार्क्स में छत्तीसगढ़ की जनजातियों से 4 सवाल पूछे गए थे, गौरव उत्सव का वर्णन कीजिए, दिवाली के अवसर पर इस उत्सव को मनाया जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 फिर से संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित सवाल पूछ दिया गया, छत्तीसगढ़ में बांस हस्तशिल्प वाली करने वाली 4 जनजातियों के नाम लिखिए, लिख सकते हैं हम 4 जनजातियों के नाम, यहाँ की मैक्सिमम जनजातियां मांस हस्तशिल्प का कार्य करती है, कमार जनजाति तो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना कि जनजातियों के पारंपरिक कार्य से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ के राम नामी संप्रदाय का परिचय बहुत इंपॉर्टेंट, राम नामी संप्रदाय बहुत ही विशेष संप्रदाय है, जो अपने पूरे शरीर में राम नाम का गोदना गुदवा के रखे हुए हैं। ठीक है, इनका ऐसा मानना है कि उनके हर कण में राम है, और इसीलिए ये अपने पूरे शरीर में, चेहरे में, हर जगह ये राम नाम का गोदना गुदवाते हैं। इनकी विशेष पहचान तो पैरों में घुंघरू की पायल, शरीर में राम नाम का गोदना, और ऊपर में मयूर पंख का मुकुट जिसमें भी राम नाम लिखा होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे बताना है 30 वर्ड्स में इनके बारे में। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की जनजाति पर्व चैत्रई पर आपको संक्षिप्त वर्णन टिप्पणी लिखना है, और जनजाति ग्रामीण अंचल के 4 देवियों एवं 4 देवताओं के नाम लिखे, बहुत ही सरल है। जनजाति अंचल के 4 देवी देवता कौन कौन से हैं, आप किसी के बारे में भी लिख सकते हैं, लिंगोदेव के बारे में लिख सकते हैं, अंगादेव के बारे में लिख सकते हैं, ठाकुर देव, नारायण देव, बूढ़ा देव, किसी के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको 60 वर्ड्स में इसको लिखना है। 8 मार्क्स में सवाल, बस्तर का दशहरा, ये सवाल एक बार नहीं, एक बार और पूछा गया CGPSC में, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अब ये नहीं पूछा जाएगा, फिर भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 75 दिनों तक मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है, पूरे विश्व में सबसे लंबे समय तक मनाया जाने वाला पर्व है। ठीक है, और इसकी संस्कृति बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है, तो आप इसकी हर एक विधियों को, हर एक रस्म को अलग अलग पॉइंट बनाकर लिख के बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि 8 मार्क्स में आपको कौन कौन से पॉइंट्स को लिखना है, और आपको अगर यही सवाल 15 मार्क्स में पूछा जाए, 175 वर्ड्स में लिखने के लिए बोला जाए, तो किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चन की। 20 मार्क्स के क्वेश्चन को फिर से 2 पार्ट में दे दिया गया, जनजाति समाज की प्रमुख समस्याएं और माड़िया जनजाति पर संक्षिप्त टिप्पणी, फिर से समस्याओं के बारे में पूछा गया, और माड़िया जनजाति मूल रूप से छत्तीसगढ़ में निवास करती है, वो यही की जनजातियां है, और माड़िया जनजाति को आप 2 पार्ट में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर माड़िया जनजाति की 2 शाखाएं हैं, एक अबुजा माड़िया और एक दंडामी माड़िया, तो आपको दोनों के बारे में लिखना होगा, और दोनों के बीच में क्या अंतर है, दोनों की अलग अलग परंपराएं क्या है, आपको ये लिखना होगा। माड़िया का मतलब केवल मैदानी क्षेत्र में रहने वाली माड़िया जनजाति नहीं है, ये कहाँ के निवासी हैं, इनकी परंपराएं कैसी हैं, इनके लोक नृत्य कैसे हैं, इनकी सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से, आप सबके बारे में लिख सकते हैं। एक साइड हेडिंग दीजिए, और अगर दोनों में कुछ पृथक है तो पृथक पृथक बताइए, और अगर दोनों में समान है तो समान रूप से बताइए, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं 250 वर्ड्स में। ठीक,
अब हम बात करने वाले हैं 2018 के CGPSC मेंस के पेपर की, जब ये छत्तीसगढ़ CGPSC मेंस के पेपर नंबर 6 का भाग 3 का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की जनजातियां, कला, संस्कृति और टूरिज्म का हिस्सा, ये चारों हिस्सा मिलकर यहाँ से सवाल पूछा गया था। देखिए, CGPSC 2018 का पेपर 2019 में हुआ था और उसके बाद अभी तक 2020 में CGPSC मेंस का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि सिलेबस के परिवर्तित होने के बाद अभी तक केवल एक ही बार CGPSC मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इससे पहले जब सिलेबस नहीं बदला था, तब छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, कला एवं संस्कृति, ये तीनों पार्ट अलग अलग थे, लेकिन सिलेबस बदलने के बाद ये तीनों भाग को एक ही भाग में मर्ज कर दिया गया और इसका नाम क्या दिया गया, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो अब हम देखेंगे कि अब सवालों की संख्या में क्या परिवर्तन हुए। पहले क्या होता था कि 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, लेकिन अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं 2018 के CGPSC में कौन कौन से सवाल CGPSC मेंस में इस टॉपिक से संबंधित पूछे गए थे। तो पहला सवाल है, जैद खाम क्या है। देखिए, आपको क्या है पूछा गया है, तो आप जितना भी कुछ, जो भी कुछ जानते हैं जैद खाम के बारे में आप बता सकते हैं, लेकिन आपको बताना क्या है, तो देखिए, आपको ये बताना है कि ये पंथी समुदाय से संबंधित है। ये जैद खाम दिखता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, आप ये भी बता सकते हैं, और इसका यूज़ क्या होता है, ये उनके धर्म से संबंधित है, इसके बारे में भी आपको चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 30 वर्ड्स में आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं लिखना है, जो सामान्य जानकारी, जो भी आपको जैद खाम के बारे में पता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। दूसरा सवाल, छत्तीसगढ़ के किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के नाम लिखने हैं, केवल नाम पूछा गया है। अगर आपको उस पर्टिकुलर अभयारण्य के बारे में और भी बहुत कुछ पता है तो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आपको सिर्फ नाम पूछा गया है, आप नाम बताइए और इस प्रकार से नाम बताइए कि 30 वर्ड्स हो जाने चाहिए। ठीक है, और वैसे भी छत्तीसगढ़ के 2 अभयारण्य और 2 राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिखते लिखते तक 30 वर्ड्स कंप्लीट तो हो ही जाएगा। तो ध्यान रखिए कि मेंस में जितना पूछा जाता है उतना ही आपको लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। नेक्स्ट सवाल, लोकोक्ति को परिभाषित करते हुए इसके 2 उदाहरण लिखिए। मैंने कहा था आपको कि जब लोकोक्ति, जनौला, मुहावरे से सवाल पूछे जाएंगे तो आपको यही पूछा जाएगा कि लोकोक्ति क्या होता है, जनौला क्या होता है, इसके उदाहरण दीजिए, इसका सामाजिक महत्व क्या है, इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, छत्तीसगढ़ में इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो सवाल इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, तो आपको इसकी परिभाषा देनी है और 2 उदाहरण देने हैं। बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, घोटुल के प्रकार को लिखिए। तो घोटुल क्या है, मुरिया जनजातियों का युवा गृह है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसके बारे में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आप बताइए कि मुरिया जनजाति का युवा गृह है, यहाँ पर अविवाहित युवक और युवतियों को सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है। कार्य पूछा गया है ना, तो इस घोटुल का कार्य क्या है, आपका आंसर पूरा इसमें ही फोकस होना चाहिए कि यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है आप उसे एक्सप्लेन कीजिएगा, मतलब कि आपको केवल और केवल यहाँ पर कार्य बताना होगा। तो देखिए, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें। ये जो घोटुल है ये ट्राइब से रिलेटेड है, वहीं पर राष्ट्रीय उद्यान का जो क्वेश्चन है ये टूरिज्म से रिलेटेड है। इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि अब जो 3 भाग में हम पढ़ा करते थे उसे एक ही भाग में मर्ज कर दिया गया और उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं हम कि और कौन कौन से सवाल पूछे गए थे 2 मार्क्स में। तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि 2 मार्क्स में हरतालिका तीज उत्सव के बारे में पूछा गया है। पूछा गया कि हरतालिका उत्सव का क्या महत्व है, आपको महत्व बताना है। ठीक है, कि महिलाओं के जीवन में इसका क्या महत्व होता है, आपका पूरा आंसर उसमें फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, सरहुल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
फिर से यहाँ पर ये देख रहे हैं हम कि किसी भी पर्टिकुलर पर्व या फेस्टिवल के बारे में क्या पूछा जा रहा है, कैसे मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है, कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है, टिप्पणी लिख के बोल रहा है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई, इस पर आलोचनात्मक विवरण दीजिए, इस प्रकार से सवाल यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। और ये भी आप ध्यान रखिए कि लोक अंचल में, मैदानी क्षेत्र में मनाए जाने वाले पर्वों से सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं, जबकि जनजातीय अंचल में मनाए जाने वाले पर्वों से सवाल कम पूछा गया है। सरहुल, उराव जनजाति के लोगों के द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है। आप इससे संबंधित आंसर क्या क्या लिख सकते हैं कि किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और इस पर्व से संबंधित अगर कोई नृत्य या गीत है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। इन चार सवालों के जवाब अगर आप एक एक लाइन में दे सकते हैं तो आपका दो नंबर का आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। जनजाति की परिभाषा दीजिए। जब आपको जनजाति की परिभाषा पूछा जाए तो आपको जनजाति को एक्सप्लेन करना है। आपको ये नहीं बताना है कि छत्तीसगढ़ में इतनी जनजातियां रहती है, ये जनजातियां रहती है, वो विशेष पिछड़ी जनजातियां, आपको यहाँ पर नहीं जाना है। आपको केवल ये बताना है कि जनजाति किसे कहते हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ में जनजातियों के कौन से प्रमुख भाषाई समूह हैं? इस सवाल को एक बार और पूछा गया था, हमने देखा था, इसकी चर्चा की थी। इसका मतलब ये है कि भाषाई समूह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है, यहाँ से रिपीट मोड में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वहाँ पर हमने देखा था कि इससे संबंधित सवाल को हम किस प्रकार से डील कर सकते हैं। प्रमुख रूप से तीन भाषाई समूह है, एक तिब्बतीय भाषाई समूह है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियाँ आती हैं, ये निवास कहाँ करते हैं, इन भाषाई समूह में कितनी प्रकार की बोली बोली जाती है, आप इन सभी विषयों को यहाँ पर लिख सकते हैं और अपने आंसर को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 मार्क्स से 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके बाद 4 मार्क्स पर आते हैं। इन 4 मार्क्स के क्वेश्चन को हमें 60 वर्ड्स में लिखना था। पहला क्वेश्चन है, कोटमसर गुफा क्यों प्रसिद्ध है? प्रसिद्धि के बारे में पूछा गया है, वो भी कोटमसर गुफा के बारे में। तो आप बताइए कि एक भूगर्भित गुफा है, आप ये बताइए कि इसका संबंध रामायण काल से है, ठीक है। इसकी प्रसिद्धि क्यों है? तो यहाँ अंधी मछलियाँ पाई जाती है, तो इस प्रकार से आप इसकी प्रसिद्धियों के बारे में बताएंगे, ठीक है। 60 वर्ड्स में लिखना है, तो बहुत ज़्यादा कुछ तो हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन जो इसकी खास बात है वो तो हमें बताना होगा। इन गुफाओं में स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट चट्टाने पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट सवाल है, सिरपुर का क्या महत्व है? सिरपुर जो है वो ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक तीनों दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिरपुर से संबंधित आपको जो भी पता बता सकते हैं क्यों महत्वपूर्ण है, इसके महत्व को इसके महत्व के बारे में बताना है, तो आप डायरेक्ट इतिहास में जा सकते हैं। अब बताइए कि पांडु वंश के शासनकाल में सिरपुर पांडु वंशियों की राजधानी हुआ करती थी। उस समय महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में सिरपुर बौद्ध केंद्र के रूप में स्थापित हुई थी। उस समय जब महाशिवगुप्त बालार्जुन का यहाँ पर शासनकाल था, तो पांडु वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है उस काल को। और महाशिवगुप्त किसे राजधानी बनाकर यहाँ पर शासन कर रहे थे? तो सिरपुर के क्षेत्र को राजधानी बनाकर यहाँ पर शासन कर रहे थे। इससे संबंधित मंदिर निर्माण कार्य, मतलब कि स्थापत्य कला के बारे में आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर मेलों का आयोजन किया जाता है, इसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। आपको सिरपुर के महत्व को बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल है, छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य गम्मत का विवरण दीजिए। छत्तीसगढ़ लोक अंचल में रहस, गम्मत और नाचा, ये तीनों लोक नाट्य प्रचलित हैं, और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं 4 मार्क्स में या फिर 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं माओपाटा, भतरा या फिर खाम्बसवांग की बात करूँ, तो जनजाति अंचल में प्रसिद्ध लोक नाट्यों के बारे में मेंस में सवाल तो नहीं पूछा गया है, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा कि जो लोक अंचल में मैदानी क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य सवाल वहां से पूछे जा रहे हैं, तो आपको गम्मत का विवरण देना है यहाँ पर कि गम्मत का आयोजन किस क्षेत्र में किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका विषय क्या होता है, इसके सदस्य कौन कौन होते हैं और इसकी खास बात क्या है। ठीक है, तो आपको इन सभी टॉपिक्स को लेकर इसका आंसर बनाना होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में अंतर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप सी जी पी एस सी मेन्स की तैयारी कर रहे हैं, आप सी जी पी एस सी एस्पायरेंट है, तो आपको तो पता ही होना चाहिए कि अनुसूचित जाति किसे कहा जाता है और अनुसूचित जनजाति किसे कहा जाता है। अंतर पूछा गया है, आप टेबुलर फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। आप टेबुलर फॉर्म में चार पॉइंट्स लिख दीजिए इनके बारे में, आपके एक मार्क्स भी नहीं कटेंगे अगर आपने सारे पॉइंट्स को सही सही लिखा होगा तो। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चंस की डिमांड ये बताएगी कि आपको उसका आंसर किस प्रकार से लिखना होगा। क्या आप उसे पॉइंट वाइज लिखेंगे या फिर आप उसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे या फिर आप उसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे या फिर आप उसे पैराग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे, वो क्वेश्चन की डिमांड होगी। ठीक है, हमको सभी क्वेश्चन के आंसर को एक जैसा नहीं लिखना है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा हमें वैसा ही जवाब उसका लिखना है। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, अब हम आते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 मार्क्स से 3 क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। पहला सवाल है, बस्तर के गोंड जनजाति के कलात्मक स्मृति स्तंभों का क्या महत्व है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 16-17 में क्या कैसे विवरण दीजिए, टिप्पणी दीजिए, इस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन अब सवाल आ रहे हैं कि महत्व बताइए, इम्पॉर्टेंस को फोकस किया जा रहा है कि ठीक है ये सब तो है हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति ऐसी है, लेकिन अब इसके महत्व पर सवाल आ रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा अब गहराई में जाकर पढ़ना होगा 2018 सीजीपीएससी के जो सवाल हैं। आप यहाँ पर वैरायटीज देख रहे हैं कि प्रसिद्ध क्यों है, महत्व क्या है, अब सवाल इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, मतलब आपको उसके इम्पोर्टेंस को बताना पड़ेगा, अब आपको क्यों पर आना पड़ेगा, क्या और कैसे से काम नहीं चलने वाला है, क्यों तो जानना ही होगा। ठीक है, तो गोंड जनजाति के कलात्मक स्मृति स्तंभों के महत्व को आपको बताना है। ठीक है, तो उनकी परंपराओं और मान्यताओं को हमें यहाँ पर उजागर करना होगा। देवारों के सांस्कृतिक धरोहर, परंपरागत लोक कथाएं, परंपरागत नृत्यों पर प्रकाश डालना है। तो किसी एक जाति के बारे में आपको पूछा गया और उसने कहा कि उसके जो भी सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनकी उनसे संबंधित लोक गाथाएं, क्योंकि देवार जाति के लोग जगह जगह जाकर ये घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं, ये लोक गाथाएं सुनाते हैं, इसलिए वहां पर लोक गाथाओं के बारे में आपको बताने के लिए कहा गया और उनके परंपरागत नृत्य को बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार के सवाल अभी तक तो नहीं पूछे गए थे, लेकिन सीजीपीएससी 2018 में पूछे गए। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि अब सिर्फ सामान्य जानकारी रखने से बात नहीं बनने वाली है। अगर आप किसी क्षेत्र के डिप्टी कलेक्टर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजाति और जाति के लोग निवास करते हैं, उनकी परंपरा से संबंधित उनकी विशेषताएं क्या हैं, टोकरी बनाने का कार्य कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, इसका व्यवसाय कहाँ होता है, तो ऐसी कोई भी जाति जिसमें कोई भी खास बात हो वो आपको पता तो होनी ही चाहिए। तो ये उसी की शुरुआत है, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। देखिए नीचे सवाल पूछा गया, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको केवल एक जनजाति के बारे में नहीं बताना है कि कौन सी जनजाति टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजातियाँ टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं, आपको यहाँ पर उसकी चर्चा करनी है। देखिए टोकरी निर्माण किससे किया जाता है, बांस से किया जाता है। सवाल को थोड़ा घुमा दिया गया है, इस सवाल को पिछले बार भी पूछा गया था, पिछले ईयर में पूछा गया था, लेकिन वहां पर क्या बोला गया था कि बांस हस्तशिल्प से संबंधित जनजातियों के नाम बताइए, वहां पर डायरेक्ट सवाल पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर 1 स्टेप अप करके सवाल पूछा गया कि बांस से टोकरी का निर्माण किया जाता है,
तो अब पूछा जा रहा है कि टोकरी निर्माण के लिए कौन सी जनजातियां प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो आपको वहां पर आंसर लिखना था वही आंसर आपको यहाँ पर भी लिखना है। बांस हस्तशिल्प में निपुण जनजातियों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि अब बांस हस्तशिल्प से, केवल बांस हस्तशिल्प से जीवन यापन करना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि अब इसका उपयोग वर्तमान समय में कम होता जा रहा है और इससे आय भी ज़्यादा प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप इन सवालों के जवाबों को लिख सकते हैं। अगला सवाल, 15 मार्क्स में दो सवालों को पूछा गया था। ये तो आपको पता है ना कि 15 मार्क्स में जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, ये ध्यान है ना कि दो में से किसी एक को ही लिखना होता है। तो ये तो क्वेश्चन का पैटर्न है ना, तो हम वहां पर नहीं जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 15 मार्क्स में इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से सवाल को पूछा गया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहला सवाल है छत्तीसगढ़ की जनजातियों में पाए जाने वाले विभिन्न विवाह प्रकारों का वर्णन कीजिए। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में जितने भी विवाह प्रचलित हैं आप सब लिख दीजिए। यहाँ पर 175 वर्ड्स है आपके पास, फ्लो चार्ट बनाइए, एक तरफ प्रेम विवाह लिखिए, एक तरफ सामान्य विवाह लिखिए, उन सभी की लिस्टिंग कीजिए, फिर उसके बाद एक एक लाइन में उन सभी विवाह पद्धतियों को समझाइए कि ये पर्टिकुलर विवाह पद्धति का आधार क्या है, इसे किसी जनजाति में क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी को एक्सप्लेन कीजिए कि स्थानीय बोली में इस विवाह को क्या कहा जाता है, इसका आधार क्या है और इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। तो यहाँ से 175 वर्ड्स में लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगला सवाल, जनजातीय विकास में शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों एवं शासकीय योजनाओं का वर्णन करें। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी जनजातियों की समस्याओं के बारे में चर्चा की जाएगी, उनके विकास के बारे में चर्चा की जाएगी, उनकी योजनाएं और नीतियों के बारे में चर्चा की जाएगी, मतलब उनके विकास के लिए योजनाएं और नीतियों के बारे में चर्चा की जाएगी, तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और वो 15 मार्क्स में या 20 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो देखिए फिर से पूछा गया, यहाँ पर आपको क्या बताना है, शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बताना है और शासकीय योजनाओं के बारे में बताना है। टू पार्ट्स में इसे आपको लिखना है। तो पहले आप संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बताइए। तो ऐसा नहीं है कि संवैधानिक प्रावधान के बारे में आप बता रहे हैं और आपने केवल आर्टिकल लिख दिया। आर्टिकल में क्या बताया गया है, क्या प्रावधान दिए गए हैं, आपको वो भी बताना है। और अगर आपको ये लगता है कि आप 175 वर्ड लिमिट में आप उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोविजन क्या कहना चाहता है, तो आप उसे भी वहाँ पर एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप कुछ शासकीय योजनाओं को यहाँ पर बताइए। तो इस प्रकार से CGPSC 2018 में 2 मार्क्स से 8 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स से 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, 8 मार्क्स से 3 क्वेश्चंस और 15 मार्क्स से 2 क्वेश्चंस पूछा गया था। टोटल 17 सवाल पूछे गए थे। तो इस प्रकार से CGPSC में छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, यहाँ से सवाल पूछे गए थे। अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसका हम थोड़ा टेबल बना लेते हैं, फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर निवास करने वाली मूल जनजातियों के बारे में सवाल पूछा जाता है। अब मूल जनजातियों से संबंधित सवाल क्या पूछे जाते हैं, तो उनकी परंपरा से संबंधित सवाल पूछा जाता है, या तो उनकी परंपरा कहूँ या तो फिर मैं ये कहूँ कि जो भी उनके पारंपरिक कार्य हैं वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा क्या ध्यान में रखना है आपको कि लोक अंचल की संस्कृति से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। लोक अंचल के पर्व, लोक अंचल के नृत्य, लोक अंचल के लोक नाट्य, इनसे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, जबकि जनजातीय अंचल के पर्व एवं त्योहारों से जनरली सवाल नहीं पूछा जाता है। और ये सवाल 2, 4 या फिर 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं, मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
नेक्स्ट बात क्या ध्यान में रखना है कि अगर जनजाति से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है, जनजाति की समस्याओं से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है, इनसे संबंधित विकास एवं नीतियों से अगर सवाल पूछा जा रहा है, तो ये सवाल 15 मार्क्स में या फिर 8 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं, इससे कम में तो नहीं पूछे जाते हैं। और क्या ध्यान रखना है, जितने भी इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल हैं हमें इनके बारे में भी जानकारी रखनी है। तो क्या बहुत गहराई से जानकारी रखनी है, तो नहीं, हमें इतनी तो जानकारी रखनी है कि हम 100 शब्दों में उसे लिख पाए, क्योंकि यहाँ से 2 मार्क्स 4 मार्क्स और 8 मार्क्स तीनों ही स्लॉट में यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, और अंततः हमें पुरस्कार और सम्मान से संबंधित सवालों को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, और ऐसे सवाल जो कि किसी व्यक्ति के नाम से या फिर व्यक्तित्व से जुड़े हों, ये सवाल जनरली 2 या फिर 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें एनालिसिस करना है। हम जब भी किसी पेपर की तैयारी करते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, तो हमें पिछले वर्षों के पेपर को देखना चाहिए और वहां से एनालिसिस करना चाहिए कि किस पर्टिकुलर टॉपिक का भार ज़्यादा है, किस टॉपिक का भार कम है, कहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं और कहाँ से सवाल कम पूछे जाते हैं। अब CGPSC का डिमांड क्या है, अब वो CGPSC किस प्रकार से सवाल पूछना चाह रही है, इसे भी हमें देखना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्मार्ट स्टडी, हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें हार्ड स्टडी नहीं करनी है, हमको ये ध्यान में रखना होगा कि हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कितना पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें पर्व एवं त्यौहार हम पढ़ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसे पढ़ते पढ़ते ही 4 या 5 दिन बीत गए। क्यों? क्योंकि हर एक पर्व एवं त्यौहार की मान्यताएं इतनी ज़्यादा पढ़ ली हमने, इतनी गहराई से पढ़ ली कि सवाल तो केवल 4 नंबर के ही पूछे जाते हैं, लेकिन हमने 175 वर्ड्स में लिखने तक की तैयारी कर ली है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से कितने मार्क्स से सवाल पूछे जाते हैं और उसकी तैयारी भी उसी तरीके से कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको मेंस के सवालों को लिखना है, मेंस के पेपर को एनालिसिस करना है और मेंस के एग्जाम की तैयारी करनी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।